चार पंक्तियों के साथ आप सबका ध्यान देना चाहूंगा कि पुष्प ही क्या जो मन को लुभाता न हो, पुष्प ही क्या जो मन को लुभाता न हो, प्यार ही क्या जो प्रिय से मिलाता न हो, व्यर्थ है जो वतन के लिए गीत गाता न हो, जो वतन के लिए गीत गाता न हो। अभी हमारे रोशन जी बड़े गमगीन अंदाज में सुना रहे थे, ये अपने उस्ताद के पास गए एक शेर को ठीक कराने के लिए। वो शेर था कि इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके। बोले उस्ताद जी उसको पूरा करिए। अब परेशान हो गए, अंत में परेशान होकर के उन्होंने कह दिया कि इधर चिलमन से ये झांके, उधर चिलमन से वो झांके, लगा दे आग चिलमन में न ये झांके न वो झांके। तो अब माहौल बना है, और इस शेर को अगर मैं थोड़ा तोड़ दूं तो, बैठे बैठे तोड़ दिया थोड़ा सा, देखेंगे। इस शेर को थोड़ा सा मैंने तोड़ा है, एडीआरएम साहब और सभी लोग ध्यान देंगे कि इस शेर को तोड़ा है कि पहले खाने की बात करते हैं, पहले खाने की बात करते हैं। क्या बात है, पहले खाने की बात करते हैं, फिर नहाने की बात, क्या बात है, करते हैं। पहले खाने की बात करते हैं, फिर नहाने की बात करते हैं। अधिकारी गण भी यहाँ हैं और स्वागत, अधीनस्थ भी हैं। जीवन में कई चीज़ें आती रहती हैं, मैं ये एक मुक्तक दे रहा हूँ जो शायद आपको भी उदाहरण के रूप में काम आ जाए। अगर कोई कहे मुझसे बताओ हमको क्या समझे, आहा, ये आता है, तुम हमें समझते क्या हो। अगर कोई कहे हमसे बताओ हमको क्या समझे, वाह, मेरा उत्तर वही होगा जो तुम समझे वही समझे। क्या बात है, मेरा उत्तर वही होगा जो तुम समझे वही समझे। मगर कुछ लोग दुनिया में बने नादान फिरते हैं। बाबा खिचरा माइक ने गला ही खींच दिया। मगर कुछ लोग दुनिया में बने नादान फिरते हैं, नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे। गला पकड़ लिया। चलिए मैं एक मुक्तक और देता हूँ, क्योंकि गले पे प्रभाव इसका आ गया या समझ गया मैं क्या बोलने वाला हूँ कि क्यों बत्तियां घरों की बुझाए हुए हैं लोग, क्यों बत्तियां घरों की बुझाए हुए हैं लोग, लगता है रोशनी के सताए हुए हैं लोग, लगता है रोशनी के सताए हुए हैं लोग। हैरान हूँ कि जिसने उजाड़ी है बस्तियाँ, हैरान हूँ कि जिसने उजाड़ी है बस्तियाँ, उससे करम की आस लगाए हुए हैं लोग, उससे करम की आस लगाए हुए हैं लोग।
और